উত্তরাখণ্ডের চিকিৎসা ক্ষেত্রে পতঞ্জলি বিনিয়োগ করবে 5 লক্ষ কোটি টাকা, জানালেন বাবা রামদেব। আজ থেকে দেরাদুনে শুরু হয়েছে 2 দিনের বিশ্ব বিনিয়োগকারী সম্মেলন। এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই সম্মেলনে বাবা রামদেব উত্তরাখণ্ড রাজ্যে বিনিয়োগের জন্য বড় ঘোষণা করেছেন। এই রাজ্যের চিকিৎসা বিভাগে আমূল পরিবর্তন করতে সরকারের সাথে সাথে পতঞ্জলির তরফেও 5 লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে বলে রামদেব জি সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছেন। ইয়ে ডেস্টিনেশন উত্তরাখণ্ড কে লিয়ে, ইয়াহা হেলথ কে লিয়ে, মেডিকেল কে লিয়ে, এডুকেশন কে লিয়ে অর ওয়েডিং ডেস্টিনেশন কে রূপ মে এক নয় সংকল্প কে সাথ उत्तराखंड को संस्कृति मूलक समृद्धि की ओर विकसित करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो प्रतिबद्धता जताई है, जो $5 ट्रिलियन की भारत की इकोनॉमी का जो उनका संकल्प है, तो हमने कहा हम भी अपने हिस्से की जिम्मेदारी उसमें निभाएंगे। आने वाले 5 सालों में 5 लाख करोड़ का परमार्थ मूलक आर्थिक साम्राज्य पतंजलि भी खड़ा करेगा, तो सब लोग अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी जब उठाएंगे तो भारत विश्व की आर्थिक आध्यात्मिक राजनीतिक महाशक्ति बनेगा। और उसी संकल्प को मोदी जी ने यहाँ दोहराया है। अब 21वीं सदी का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट का डेस्टिनेशन वो उत्तराखंड होगा और हमें प्रसन्नता है कि इस पुण्य भूमि के आशीर्वाद हमने 3 दशकों से पाए हैं, अब पूरी दुनिया में उत्तराखंड की धमक हो। प्रधानमंत्री ने ये भी बोला है कि देश को एक स्थिर सरकार चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने डबल इंजन की सरकार के साथ साथ ये भी कहा कि आने वाले जो 5 वर्षों का अब एक नई पारी शुरू होगी, उसमें जो विकसित भारत का सपना उसको साकार करेंगे। ये बहुत बड़ा संकल्प है और विकल्प रहित संकल्प अखंड प्रचंड पुरुषार्थ के धनी है हमारे प्रधानमंत्री जी। हिमालय जैसा उनका व्यक्तित्व है, जो संकेत में वो कहकर के गए कि 5 सालों में भारत को विकसित भारत की श्रेणी में खड़ा करना है, तो खड़ा कर देंगे और हम सब उनका साथ देंगे।